गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल भानु क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करेंगे। उसमें से एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे भी काम आने वाला है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि फॉर ए रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई प्रोसेस, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉन्स्टेंट। तो जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। ओके, यानी कि ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखेंगे, नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, कॉन्स्टेंट आएगा, जिसको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले ये क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि यदि एक प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जहाँ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, इनका रेशियो जो है हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। तो हम एक रिएक्शन मान लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते हैं, ए ए बी बी चेंजेस इनटू एन एन एम एम, जहाँ स्मॉल जो है वो उनके कोफिशियंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स हमारे क्या हैं, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं, ए बी एन एम, और जो उनके कोफिशियंट्स क्या है, स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन से जस्ट पहले है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन की दो डायरेक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दूसरी क्या है, दूसरी रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। मैं इनको ऐसे करूँ कि दो डायरेक्शन हम दिखाएं कि ये रिएक्शन दो डायरेक्शंस में प्रोसीड हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि ब्लू कलर में दिखाया गया है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन जो कि ब्लैक कलर में दिखाया गया है। ओके, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, प्रोसीड कर रही है, तो इसके लिए रिएक्टेंट ये हैं, प्रोडक्ट ये है, और जब ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी तो रिएक्टेंट ये हो जाएंगे और प्रोडक्ट वो हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट का मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन है, अब की बार ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये इनके कोफिशिएंट साथ लिखे हुए हैं। तो लॉ ऑफ मास रिएक्शन कहता है रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स ये है हमारे पास ए और बी, ए और बी, और कोफिशेंट्स की पावर लगाएंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन वाला वीडियो पहले देख लेना, बहुत क्लियर से समझा रखा लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ईच रेज टू पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशेंट। तो ए और बी की पावर क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी हमने लगा दी, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, कॉन्स्टेंट लगाया के एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जा रहा है, तब रेट कॉन्स्टेंट क्या है, और इस इक्वेशन को हम वन लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए रिएक्शन प्रोसीड कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ, तो बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट क्या रहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में अब हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, ये ओके, पहले ये प्रोडक्ट थे जब वो रिएक्शन ऐसे आ रही थी, राइट, लेकिन अब ये रिएक्टेंट है क्योंकि रिएक्शन अब ऐसे प्रोसीड कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन ये है, रिएक्टेंट्स ये है हमारे पास। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या, किस पर निर्भर करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। तो रिएक्टेंट हमारे पास फिलहाल ये है क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो इनकी कंसंट्रेशन लिखो एन और एम की, और उनकी पावर जो स्मॉल एन और स्मॉल एम है वो लगा दीजिए। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ एन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एम, और ईच रेज टू पावर, प्रत्येक की पावर क्या लगाएंगे, जो इनके कोफिशियंट दे रखे हैं, हमने कोफिशियंट लगा दिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, कॉन्स्टेंट लगाया, के बी बी इज यूज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, क्योंकि एफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यूज हुआ था, तो बी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अभी काम आएंगी। ठीक है, इतना समझ में आया फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट कैसे आई। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर यही तो होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अभी इक्वेशन वन से बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या थी, यही तो थी के एफ के ए बी, बी की पावर स्मॉल बी।
जबकि बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या थी, इक्वेशन सेकंड से देख करके बताइए, के बी एन एन की पावर स्मॉल एन एम की पावर स्मॉल एम, यही थी मतलब। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की। इसको ढंग से लिख लीजिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। चलो बताइए, अब इनमें से आपको एक के बी है ना उस साइड ले जाना है। ठीक है, के बी उस साइड, के बी को उस साइड ले आएंगे और जो ये टर्म है इसको हम इस साइड ले आएंगे, इक्वल के निशान के इस साइड ले आएंगे और के बी को उस साइड ले आएंगे। तो उधर तो के एफ है, उसके अपन में के बी आ गया, और ये टर्म किसके नीचे आ गई, इस एन एन वाली एन एम एम वाली टर्म के नीचे आ गई। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है के एफ बी और के बी भी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होता है, अनोदर कॉन्स्टेंट, जिसको मैं के लिख लेता हूँ, जहाँ के क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। क्या कहेंगे के को, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो यही तो प्रूव करना था कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि यदि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसमें एक रिलेशन आएगा कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, और उस कॉन्स्टेंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ, ये बाई कन्वेंशन लिखा जाता है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखिए, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को नीचे लिखिए। ठीक है ना, तो इन जनरल आप बता सकते हो, इन जनरल कोई भी रिएक्शन की के बता सकते हो, किसी भी रिएक्शन का इन जनरल कोई भी रिएक्शन मान लीजिए आप, उसका के बताना पड़ जाए अपने को, तो कैसे लिखेंगे, बस यही तरीका है। ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। मान लीजिए हमारे पास है एक्स एक्स वाई वाई चेंजेस इनटू कोई भी कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए डी डी और ई ई, ये एक जनरल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर है ये, तो इक्विलिब्रियम का निशान बताओ। तो कहता है फार्मूले के हिसाब से, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से, कि एक रिलेशन आएगा जहां प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या बना है, डी और ई बना है, ये स्मॉल डी और स्मॉल ई क्या है, ये कोफिशियंट है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और इनकी पावर साथ लगाओ, डी के स्मॉल डी और ई के स्मॉल डी, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स एक्स और वाई है, रिएक्टेंट्स एक्स और वाई है, और इनकी भी क्या लगाएंगे, इनकी पावर लगाएंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, और ये के क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट।